हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टेक शंकर और मैं सुशंकर। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक कमेंट आया है मनहार मोदी जी का है। ये लिखते हैं कि डियर सर, IFB फ्रंट रोड वॉशिंग मशीन की डूर लॉक और डूर लॉक की वायरिंग कैसे चेक करते हैं, उस पर एक वीडियो बनाने के लिए आपसे अनुरोध है। थैंक्स मनहार मोदी, पाटन और गुजरात, इंडिया। तो मनहार मोदी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन किया है। हम एक क्वेश्चन का ज़रूर आंसर बताएंगे और आपको हम ज़रूर बताते हैं कि डूढ़ लाख स्विच फुल वायरिंग कैसे चेक करें। इसी पे वीडियो है, आप पूरी वीडियो हमारी ध्यान से देखना। तो अगर किसी को हमसे बात करनी हो तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दें, हम आपसे बात कर लिया करेंगे। ये मत कहें कि सर अपना मोबाइल नंबर दें तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर किसी को हमसे बात करनी हो तो आप कमेंट नंबर में अपना नंबर डालेंगे और हम आपसे बात कर लेंगे कोई भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं मनहार मोदी जी के लिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और इस पर फुल वीडियो आपको हम दिखाते हैं कि डूढ़ लाख की टेस्टिंग चेकिंग कैसे कैसे पूरी वायरिंग के बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, हम वॉशिंग मशीन को ऑन करें हैं। ये हमारे पास वॉशिंग मशीन कई हैं तो हम एक पे किसी एक पे टेस्ट करके आपको दिखाते हैं, बताते हैं। काफ़ी ज़्यादा वॉशिंग मशीन पे यहाँ पे कार्य होता है तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए टेस्टर ग्लोब हो रहा है, आपको राइट तरफ फेस देना पड़ेगा, लेफ्ट के तरफ न्यूट्रल देना पड़ेगा। हम थ्री पिन टॉप को निकालते हैं, फिर इसको चेक करा के हम आपको दिखाएंगे पूरा। थ्री पिन टॉप को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे हम दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे L लिखा हुआ है, मतलब फेस इधर होना चाहिए और इधर न्यूट्रल होना चाहिए। साफ साफ प्लग में लिखा हुआ है तो जैसे लिखा होगा उसी तरह आपको सॉकेट में कनेक्शन करना है। ये न्यूट्रल हो गया और ये फेस हो गया, L लिखा हुआ है। L मतलब लाइन या फेस, इसी पे होगा। तो ये हमारा सॉकेट है, सॉकेट में देखो राइट साइड यहाँ पे फेस होगा, इधर न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल और ऊपर अर्थ की वायर लगेगी। तो देखो हम इसको लगाते हैं, लगाने के बाद फिर हम इसमें सॉकेट में एक बार हम टेस्ट लगा के चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे फेस आ रहा है, मतलब राइट की तरफ फेस है और लेफ्ट की तरफ न्यूट्रल है और बीच में अर्थ है। तो ये इस पर है। अब चलिए हम गेट को खोलते हैं और डूढ़ लाख की पूरी हम जानकारी आपको देते हैं। तो हम डिस्प्ले को ऑन करें हैं तो डूढ़ लाख खोलने के लिए हम इसकी सप्लाई को काट देंगे। अब चलिए हम इसकी गैस्केट रबड़, जो स्लीव रबड़ है, उस पर ऊपर एक स्प्रिंग होती है लॉक, इसको हम निकाल देंगे। अब फिर स्लीव रबड़ को बाहर इधर करके और इसमें दो स्क्रू है, उन स्क्रू को हमें खोल लेना है, एक और एक दो, दोनों को हम खोल के इस डूढ़ लाख स्विच को बाहर निकालेंगे। तो आज हम आपको फुल टेस्टिंग दिखाएंगे, खराब नहीं खराब, इसकी वायर कहाँ कहाँ गई हुई हैं, सबको हम इसमें बताएंगे आपको। तो हम डूढ़ लाख स्विच को खोलते हैं और ये देखो खुल भी गया। तो इस प्रकार से आप डूढ़ लाख स्विच ऐसे ही चेंज किया जाता है, आप डूढ़ लाख स्विच भी चेंज कर सकते हो आसानी से। तो हम इसको बाहर निकालेंगे, ये देखिए डूढ़ लाख स्विच हमारा बाहर आ गया। अब डूढ़ लाख स्विच पे देखो यहाँ पे तीन वायर हैं, एक ग्रे कलर की है और बीच में रेड कलर कुछ है और ब्लैक है, तीन है, तीन वायर हैं डूढ़ लाख स्विच पे। तो इसमें हम नंबरिंग भी दिया होता है इसमें, तो ये देखो डूढ़ लाख ऐसे बंद हो जाता है। तो इसमें नंबरिंग भी दिया होता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, ये तीन नंबर हैं। तीनों नंबर में हम इसको आपको पूरा बताएंगे, चेक करने का भी बताते हैं। तो हमें सर्वप्रथम अगर वॉशिंग मशीन
का डूल लॉक स्विच खराब है या पीसीबी खराब है तो कैसे पता करें? तो इसमें जो एक नंबर और तीन नंबर, एक नंबर पे न्यूट्रल आएगा काले पे और तीन नंबर पे हमारा फेस आता है, तो हमें इस दोनों काले और बीच का जो ब्राउन करार है, इन एक नंबर तीन नंबर पे हमें इसकी वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, सही से वोल्टेज हो तो पता चलेगा। तो चलिए हम ऊपर का एक बार इस कवर को खोलते हैं और हम दिखाते हैं कि ये वायर कहाँ गई हुई है। अभी जो तीन वायर डूल लॉक स्विच पे लगा हुआ था, हम उसकी वायर आपको दिखाते हैं ऊपर। ये तीन वायर जो ग्रे और ब्राउन और एक ब्लैक कलर की, ये तीन कलर हैं, तीनों कलर हमारी यहीं से वायर उठती है और सीधा हमारा यहाँ पे कनेक्टर लगा होता है और थोड़ा जल्दी ये यहाँ पे तीन वायर ये लगी हुई है, एक वायर एक्स्ट्रा है, हम इसके बारे में बताएंगे आपको अगली वीडियो में कि ये एक वायर कहाँ जा रही है। तो ये तीनों वायर हैं, तीनों वायर ये सीधा पीसीबी से आती हैं और जो उसका दूसरा भाग होता है वो सीधा डूल लॉक स्विच से आता है। तो ये देखिए यहाँ से हम निकाल रहे हैं, ये वायरिंग सीधी जो तीन वायर की गई हुई है, ये सीधा हमारा ऊपर जो जो कनेक्टर लगा हुआ है उसी कनेक्टर पे ये जाके सीधा मिलता है। हम उस कनेक्टर को हटा के तो वहीं से सीधा हमारा पीसीबी पे जाता है। हम ऊपर लिए तरफ देखते हैं और अभी हम रेड वाले को छोड़ देते हैं, तो इन्हीं दोनों के जो ब्लैक ग्रे और ब्राउन तीनों के बारे में हम बताते हैं आपको। जो एक रेड है उसके बारे में हम बात बताएंगे अगली वीडियो में ताकि वो वायर कहाँ है। अब ये देखो यही तीनों वायर सीधा डूल लॉक स्विच से आते हैं, जो उसका इन होता है और इधर पीसीबी से आउट होती है। तो हम पीसीबी से भी खोल के आपको दिखाते हैं कि पीसीबी पे ये वायर जो लगी होती है, तो हमारे पास पहले से ही पीसीबी अवेलेबल है, हम उस पर आपको दिखाते हैं यही तीन वायर पीसीबी से निकलती हैं। तो एक दो तीन चार, तो ये चार वायर पीसीबी से आते हैं, लेकिन हमारा जो डूल लॉक स्विच का है तीन ही वायर ये काम करते हैं। तो एक वायर के बारे में चलो हम, ये हमारे पास पीसीबी है, वही कलर है इसमें देखो, तीन कलर तो ये डूल लॉक स्विच का, एक कलर एक्स्ट्रा इसमें दे रखा किसी और का है। तो हम इसको खोल दिए हैं, देखिए अब इसको सारे को हम चेक कराते हैं। ये तो न्यूट्रल है देखो, यहाँ पे लगा हुआ है, आप यहाँ से ही न्यूट्रल ब्रेक को चेक कर सकते हैं। ये ब्राउन कलर का डूल लॉक स्विच जो है ये यहाँ पे देखो यहाँ से निकला हुआ है, सीधा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और तीसरा हम चलते हैं ग्रे कलर का, ये है, ये भी यहीं पे ये निकला हुआ है वायर यहीं से पीसीबी से ही, ये तीन वायर है। और एक ये रेड कलर का निकला हुआ है, ये तीन हो गए, एक रेड का है, रेड की भी हम बताएंगे, लेकिन एक हम खाली एक स्पष्ट कर देते हैं, जो रेड कलर का वायर है वो मेरे ख्याल से हीटर का ही है, लेकिन स्पष्ट नहीं, हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे कि जो डूल लॉक स्विच की जो रेड वाला तार है ये कहाँ गया, लेकिन हम लगभग यही बता सकते हैं कि हीटर का ही होगा, लेकिन फिर भी हम इन तीनों के बारे में बताते हैं। तो आप यहाँ से पूरा वायर चेक कर सकते हैं, यहीं से ही वायर उस कनेक्टर से होकर सीधा हमारा डूल लॉक स्विच पे जाता है और कहीं से कोई कनेक्ट नहीं होता है, यही तीन वायर हैं ये लगे होते हैं। तो यहाँ से आप चेक कर लेते, अगर यहाँ तक वोल्टेज बिल्कुल नहीं आ रही है, दो जो सिंगल फेज की सप्लाई नहीं आ रही है, तो समझ लेना कि पीसीबी में खराबी है, पीसीबी को आप रिपेयर कराएं। अगर उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई नहीं आ रही है तो इसी कनेक्टर को आपको चेक करना है सीधा सीधा। अब ये डूल लॉक स्विच की जो हमें टेस्टिंग करनी कैसे करनी है, चलिए हमारे पास मल्टीमीटर है, हम इस मल्टीमीटर की सहायता से इस डूल लॉक स्विच की हम वोल्टेज चेक करेंगे। जब हम मल्टीमीटर लगाए हैं, देखो डूल लॉक स्विच को हम एक नंबर और तीन नंबर पे इसकी वोल्टेज चेक करेंगे। चलो हम पीसीबी को ऑन करते हैं, ऑन करके प्रेस करेंगे, अब देखते हैं कि अगर पीसीबी सही होगी तो यहाँ पे सिंगल फेज की सप्लाई आएगी 230 225 जितना वोल्टेज हो हमारे पास वो इसमें शो करेगा मल्टीमीटर में। तो देखो हमारे यहाँ 237 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब पीसीबी 100% सही है,
वोल्टेज आ गया, क्योंकि हमें वायर चेक करने कहीं ज़रूरत नहीं। अगर नए आए तो आप वायर चेक करो, फिर पीसीबी तक जाओ, अगर वोल्टेज नहीं आता तो पीसीबी आपकी 100% ख़राब है। अब देखिए यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अब ये जैसे ऑन किया हूँ डोर ओपन प्लीज़ क्लोज, क्योंकि गेट खुला हुआ है तो इसमें ये दिखाएगा। अब हमें इसको यहाँ पे ऐसे प्रेस कर देना है, जैसे प्रेस करेंगे तो देखो डोर लॉक चाइल्ड लॉक अवेलेबल, मतलब डोर लॉक काम कर रहा है। इससे आप डोर लॉक चेक कर सकते हो, बस प्रेस करते ही वॉशिंग मशीन डोर लॉक शुरू हो जाता है, डोर लॉक चालू हो गया। देखो ये यहाँ पे दिख रहा है, अंदर की तरफ हो गया है। तो अब हमें डोर लॉक की भी सप्लाई चेक करके आपको हम दिखाते हैं, जो हमें डोर लॉक की जब लॉक हो जाता तब सप्लाई जो ग्रे वायर पे कैसे जाती है। अभी तो हमारा एक नंबर और तीन नंबर पे हम तो एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं 220 वोल्ट के, क्योंकि इन्हीं दोनों पे सप्लाई जाती है। फिर जैसे डोर लॉक स्विच हमारा काम करता है, अब देखिए उस पर जाके ये वोल्टेज पहुंच जाता है। तो अभी ये देखो तीन नंबर और एक नंबर पे वोल्टेज की चेकिंग है। चलिए अभी हम एक बार और प्रेस करके स्टार्ट करते हैं इसे। तो हम इसको प्रेस कर दिए हैं, ये प्रेस किया और इसमें देखो 235 वोल्ट दिखा रहा है। तो हमने इसमें एक नंबर तीन नंबर में, अब हम तीन नंबर उठा के दो नंबर में चेक करते हैं। दो नंबर पे देखो एक नंबर और दो नंबर पे लगा दिया हूँ। दो नंबर पे लगाने के बाद यहाँ पे प्रेस करेंगे, जो डोर लॉक स्विच है उसको हम बंद करें। देखो डोर ओपन दिखा रहा है, तो इसको हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। अभी सप्लाई नहीं गई, जैसे इसको यहाँ से हल्का सा प्रेस करेंगे, देखो प्रेस करेंगे तो फंस जाएगा उसमें जाके। देखो ये फंस गया ना, अब देखो उस पर ग्रे वाले पे आ गया। अब ये देखो चाइल्ड लॉक अवेलेबल दिखाने लगा, यानी कि यहाँ तक कि डोर लॉक स्विच सही है, यहाँ ये भी सही है डोर लॉक, क्योंकि ग्रे पे देखो सप्लाई जा रही है। तो ये डोर लॉक स्विच सही है, अगर ग्रे पे सप्लाई ना जाए तो समझ लेना कि डोर लॉक स्विच ख़राब है। जो दो नंबर पे सप्लाई नहीं जाती है, सिंगल फेज की फेस नहीं जाता, समझ लेना कि आपका डोर लॉक स्विच ख़राब है, 100% ख़राब है। और अगर एक नंबर और तीन नंबर पे सप्लाई आ रही है, तो आपकी पीसीबी 100% सही है। सप्लाई नहीं आ रही है तो आप वायर पीसीबी चेक करेंगे। इस प्रकार से ये कन्फर्म हो गया। तो हम एक नंबर तीन नंबर पे लगाए हैं, तो ये हमारा डोर लॉक स्विच सही काम कर रहा है। तो अब हम डोर लॉक स्विच को निकाल करके, अगर मान लो हमारे पास डोर लॉक स्विच नहीं है, उस वक्त हमें काम करना हो तो कैसे करें हम, अब उस पर भी हम आपको चेक कराते हैं। चलो इसको बंद करते हैं, अभी ये नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए हम इसे बंद करते हैं फिर चालू करते हैं। अभी ये देखो एक मिनट के लिए हम इसको बंद कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। तो अब हम आपको बताएंगे कि डोर लॉक स्विच, मान लो आपके पास डोर लॉक स्विच नहीं है, ख़राब है, तो आपको कैसे चलाएं। और एक तरीका इसमें और हो जाए कि अगर डोर लॉक स्विच ख़राब है या नहीं ख़राब है, तो एक तकनीक आपको हम और बता रहे हैं, उस पर आप काम करके तुरंत पता कर सकते हैं कि डोर लॉक स्विच ख़राब है या नहीं ख़राब है। उस तकनीक के लिए आपको हम तुरंत बताते हैं। तो आपको करना ये पड़ेगा कि एक नंबर और तीन नंबर को आपस में शॉर्ट कर देना पड़ेगा। जैसे हम बता रहे हैं, ये जो वायर पीसीबी से आ रही है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इन सबको तो आपको कुछ कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, बस आपको यही देखना पड़ेगा कि इन तीनों वायर से ये जो यहाँ पे आ रहा है, हम ये देखो या देख रहे हो, इसी चार वायर हैं, ये जो चार वायर लगी ही हैं, यहीं से ही हमारी जो डोर लॉक स्विच पे सप्लाई आदान प्रदान होता है। तो ये हमारा डोर लॉक स्विच जो लगा हुआ है, अब इसको हम सोच रहे हैं कि बाहर करके भी आपको चेक करा के दिखाएं। चलो हम डोर लॉक स्विच को बाहर करते खींच लेते हैं, खींच लिया, डोर लॉक स्विच बाहर हो गया, क्योंकि ये उल्टा नहीं लग सकता, ये जैसे लगा था उसी तरह लगेगा, यार अन्यथा नहीं लगेगा, आप प्रयास करके कोशिश करोगे नहीं लगेगा। तो इसमें पिन देख रहे हो, हम पहले बता दिए एक नंबर और ये तीन नंबर, आप मार्किंग कर लेना, हो सकता आपको समझ में नहीं आए तो आपको, चलो हम फिर से डोर लॉक स्विच लगा देते हैं, क्योंकि हो सकता आप समझ में नहीं आए आपके पास, तो हम डोर लॉक स्विच को लगा देते हैं। अब
हमें क्या करना पड़ेगा कि दो नंबर तीन नंबर में एक वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। चलो ऐसे यहाँ से प्रेस करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रेस वायर ये आईएफबी की ही वाशिंग पे हम दे। चलो प्रेस यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं हम। अब अगर मान लीजिए कि आपका डूल लॉक स्विच काम नहीं कर रहा है तो उस अवस्था में आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात देखो, डोर ओपन प्लीज क्लोज दिखाने लगा। अब हमें इस चीज़ को जो ये डोर ओपन प्लीज क्लोज दिखा रहा है, इसको अगर यहाँ से हम प्रेस कर दें तो ये चल सकता है, तीन नंबर और दो नंबर। क्योंकि तीन नंबर दो नंबर में हम देखो स्टार्ट कर रहे हैं, देखो तीन नंबर दो नंबर में हम यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं। देखो डोर ओपन प्लीज क्लोज हट गया, तीन नंबर दो नंबर में देखो एक तार डाल दिया हूँ गोला सा, डोर ओपन प्लीज क्लोज हट गया है। हो सकता है कि लूज हो तो सही ना पकड़ा रहा हो, लेकिन लूज भी हो देखो भी लूज है, फिर डोर ओपन प्लीज क्लोज हो गया, तो ये लूजिंग के कारण ऐसा दिखा, देखो फिर सही हो गया। तो आपको इसको सही तरह से इसमें बैठा देना पड़ेगा, दो नंबर तीन नंबर में एक जम्फर लगा देना बस, दोनों को जैसे मैंने एक तार बनाया हूँ दोनों को सीधा उसी दो नंबर तीन नंबर में डाल दिया हूँ, तो सही तरह से नहीं बैठ रहा तो वही बार बार डोर ओपन प्लीज क्लोज दिखा रहा है, तो फिर इसे दबाता हूँ सही तरह से इसको बैठाता हूँ। अभी ये बैठ नहीं रहा है, देखो इसको और थोड़ा सा बैठा देता हूँ, क्योंकि सही तरह से हम नहीं बैठा पाए इसलिए ये बार फिर ऊपर चलते हैं। अब देखिए इसको हम पकड़ के रखे हैं लूज ना होने पाए, जो ये बार बार डोर ओपन, अब देखो पानी ले लिया 100%। अगर इस तरह चल जाए दो नंबर तीन नंबर लगाने से अगर चल जाता है, समझ लेना कि आपका डोर लॉक स्विच ख़राब है। अगर उस तरह डोर ओपन ये लगाने के बाद लॉक भी नहीं दिखा रहा तो आप दो तीन को आपस में जोड़ देंगे दो नंबर तीन नंबर तो चल जाएगी वाशिंग मशीन, आप कार्य कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 100% डोर लॉक स्विच ख़राब है। अगर डोर लॉक को प्रेस करने से नहीं हुआ, चलो हम जम्फर हटा देते हैं और इस डोर लॉक स्विच को हम बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद फिर इसको हम आपको दिखाते हैं कि ये जैसे यहाँ पे आपको अगर फिर करना है तो इस डोर लॉक स्विच को टाइट कर देना है। अगर आपको वाशिंग मशीन चलाना है तो इस डोर लॉक स्विच को बिना कनेक्शन के ही इसको टाइट कर देना है, क्योंकि गेट बंद हो जाएगा, बंद होगा तो आप इस डोर लॉक स्विच को यहाँ पे टाइट कर देंगे बिना तार के ही, अगर आपके पास डोर लॉक स्विच नहीं है। अब इस वायर में तीन नंबर दो नंबर को ज्वाइंट कर देंगे, एक जम्फर डाल देंगे। तो दो नंबर तीन नंबर कौन सा है, ब्राउन और ब्लैक हमको पता हो गया है। तो हम इसी तीन नंबर और दो नंबर की पिन में ये जो हमारे पास एक वायर है इसी पे हम डाल के इसको लगा देंगे। देखो इस तरह से थोड़ा और इधर करो कमरा, हाँ देखो ये दो नंबर तीन नंबर में लगा दिया हूँ, एक नंबर में नहीं लगाना क्योंकि वो न्यूट्रल है। तो दो नंबर तीन नंबर देखो जम्फर लगा दिया हूँ ब्राउन कलर और ग्रे कलर में, इन दोनों को आपस में मैं जोड़ दिया हूँ देखो इस तरह से। अब हम चलते हैं पीसीबी भी देखते हैं और ये कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पीसीबी देखो पानी ले लिया है, बिल्कुल कार्य कर रहा है। तो अगर आपका डोर लॉक स्विच ख़राब है, डोर लॉक स्विच से हम ये कनेक्टर हटा देना है और इसी तरह से बढ़िया से जम्फर लगा देना है दो नंबर तीन नंबर ग्रे और ब्राउन में, आराम से आप वाशिंग मशीन चला सकते हैं। ये टेस्टिंग के लिए सर्वप्रथम है। जब भी आपकी वाशिंग मशीन में डोर ओपन प्लीज क्लोज आए तो आपको फट से इसी तरह जम्फर लगा के चेक कर लेना है, तो उससे साफ पता हो जाएगा पीसीबी ख़राब है, आपका डोर लॉक स्विच ख़राब है। चलो हम इस डोर लॉक स्विच को इसमें लगा देते हैं और ये बैठ गया। अब फिर हम इसको सप्लाई काट के इसको हम लगा देंगे जहाँ था, डोर लॉक स्विच को हम लगा देते हैं। जो जहाँ था वैसे, तो हम आपको बिल्कुल सही सही तरह से समझा दिए हैं। हमें आशा हो कि आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे।
अगर आप कोई बात समझ नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्क्रू दोनों को टाइट कर देंगे। चलो हम इस पर टाइट करके और इसमें जो सील है उसको हम लगा देते हैं। टाइट हो गया और ये गैस्केट को हम जो इसका रबर स्लीव इसको हम चढ़ा देंगे जो हमने निकाला था आराम से। और ये चढ़ गया, पूरा सही हो गया। अब इसके ऊपर जो स्प्रिंग थी स्प्रिंग को लगा देते हैं। स्प्रिंग लगाना बहुत आसान है। तो हमने 1.5 लाख स्विच पे कई वीडियो बना रखा हुआ हूँ, छोटी भी वीडियो है और इस पर हम बिल्कुल टाइट वूट करके डूल गेट को लगा देते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।